हेलो फ्रेंड, मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल पे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हाउ टू फॉरवर्ड ए PDF पासवर्ड और आधार कार्ड पासवर्ड। तो आप लोग जानते ही होंगे कि आपके जो आधार कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड होता है उसके अंदर भी पासवर्ड होता है। अगर कोई भी इनकम टैक्स के फाइल आते हैं उसका भी आपको पासवर्ड होता ही है। तो उस पासवर्ड कभी भी बोल देता है, कभी भी फाइंड करना पड़ता है। तो आपको एक आसान तरीके बताऊंगा जिसके माध्यम से आप पासवर्ड को आसानी से ढूंढ सकते हैं, आधार कार्ड का भी ढूंढ सकते हैं, जिसका भी हो, आपका भी ना भी हो तो भी आप कर सकते हैं, पासवर्ड को फॉरवर्ड या रिकवरी कर सकते हैं। तो वो कैसे करते हैं, तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वो लिंक में जाते ही आपको इस फाइल को डाउनलोड हो जाएंगे। देख सकते हैं इस फाइल को डाउनलोड हो जाएंगे का फाइल नेम है टॉप पासवर्ड PDF रिकवरी। तो इसको आप डाउनलोड हो जाने के बाद इस फाइल को ओपन करिए। ओपन करने के बाद आप देख रहे होगा पासवर्ड दिया हुआ है इस जीप फाइल में भी। तो इसका पासवर्ड बोल दिया गया है, पासवर्ड है ये पासवर्ड। तो इसको आप कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे मूव कर दीजिए। मूव करने के बाद आप यहाँ जब दिख रहा है आपको पासवर्ड, उसको आप पेस्ट कर दीजिए। तो उसको ओके कर दीजिए। तो आप हो गया पासवर्ड। तो चलिए इसको इंस्टॉल करते हैं। का अंदर कीजेन भी है, इसके अंदर जो है आपको कीजेन यानी कि आप फुल सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकते हो। इंस्टॉलेशन प्रोसेस आप जानते ही होंगे। तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और घंटे को दबाना मत भूलिएगा। तो आप देख सकते हैं ये इंस्टॉलेशन हो गया। तो इसको बोल रहा है ये रिकवर, लेकिन आपको पूरा नहीं मिलेगा या रजिस्टर करना पड़ेगा। दिख रहा है आपको रजिस्टर हो गया है, लेकिन आपको मैं पहले इंस्टॉल किया था इसीलिए रजिस्टर हो गया। तो आप किचन में जाइए। किचन में जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे लिस्ट है। इसमें जाते ही आपको PDF वाला जो है PDF पासवर्ड रिकवरी, ये आप देख सकते हैं। आपको थोड़ा दिखा दूं PDF, आप देख सकते हैं ये PDF पासवर्ड रिकवरी का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन में आप सिलेक्ट करिए। तो आपको आपको जो कीजन का जो ये है उसको मिल जाएंगे। इसमें करते ही आपको जनरेट में करना होगा और उसके बाद कॉपी। तो वहां पे आपको जाते ही आपको यहाँ पर आके जाते ही आपको नाम डालना होगा, आपका खुद का नाम डालिए और वो किचन का जो नंबर आया है वो आप कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दीजिए, तभी आपको जो है सॉफ्टवेयर रजिस्टर हो जाएंगे। तो चलिए इसको एग्जिट करते हैं और रीओपन कर लेते हैं। होने के बाद सॉफ्टवेयर थोड़ा इस तरह दिखता है। तो ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद इंटरफेस सेम है, लेकिन इसका अबाउट में जाएंगे तो इसका रिसेंट बाय मेरा नाम दिखाएगा और इसका वर्जन टोटल और जो कुछ भी है वो दिख जाएंगे। तो इसको थोड़ा डिटेल में बताते हैं। मेरे पास भी एक PDF है, लेकिन उसका पासवर्ड थोड़ा अलग है। को बता दूं मेरा पासवर्ड क्या है। तो मेरा पासवर्ड है 123/321। इसका पासवर्ड थोड़ा इस तरह है। तो मैं इस पासवर्ड को फॉरवर्ड करते हुए आपको दिखाऊंगा। तो अगर आपके पास नए PDF है, जैसे कि आधार कार्ड का नया PDF है, उसका जो रूल है उसका क्या है, इसके 8 डिजिट का पासवर्ड होगा। जैसे कि पहला जो 4 डिजिट है वो इस आपका नाम होगा, आप देख सकते हैं। तो और उसके बाद जो है आपको ईयर ऑफ बर्थ आ जाएंगे। तो इसको आप इस तरह सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं अब सिलेक्ट कर लूँगा मेरे इस PDF को।
इसको आप ध्यान से देखिए, ये पहला ऑप्शन जो है इसको ही सिलेक्ट रखना है, उसके बाद नेक्स्ट करना है, इसके बाद और भी एक बार फर्स्ट ऑप्शन को चूज करते ही आप नेक्स्ट कर दीजिए। तो नेक्स्ट करने के बाद जैसे मैं यहाँ पर प्रोसेस थोड़ा जल्दी करने के लिए ये जो लेंथ है इसको कर देता हूँ, मेरा जो लेंथ है वो 7 है, और उसके बाद 7 पे ही खत्म हो जाए। तो मेरा यहाँ जो है A to Z कुछ भी लेटर नहीं है, ये A to Z लेटर नहीं है, लेकिन आपको आधार कार्ड का रिकवरी करना है तो आप छोटा को टिक मार दीजिए, लेकिन जो बड़ा इंक्लूड लेटर ये है ये वाला को जरूर टिक दीजिए। मेरा यहाँ नहीं है तो मैं यहाँ नहीं देता हूँ। ये जो है ये 0 to 9 जो नंबर है, डिजिट है, वो चेक करेंगे, और इसके साथ एक सिंबल है वो है स्लैश, तो इसको दे दूंगा। अगर आपको पता नहीं है तो आप ये टिक वाला टिक कर सकते हो, सिंबल के लिए अब जब पता नहीं है तो आप ये टिक कर सकते हो, आपके पास लेटर है पासवर्ड में तो आप ये टिक कर सकते हो, आपके पास स्मॉल लेटर है ये तो आप ये टिक कर सकते हो। आप जिस कैटेगरी में पढ़ते हैं आपको पासवर्ड, अगर आपको पता नहीं है तो आप सारी टिक कर दीजिए और आपको नेक्स्ट कर दीजिए। लेंथ में ही भी सेम बात कहूँगा, को आप लेंथ पता नहीं है तो आप 10 12 या आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा पासवर्ड है। तो इसके बाद आप सारी चीज सिलेक्ट करते के बाद नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करते ही जैसे आप देख सकते हैं आपका मेरा जो है रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है, ये 1 by 1 करके चेक कर रहा है, एक वो ऑटोमेटेड पासवर्ड जनरेट करके एक चेक कर रहा है। तो चेक करने के बाद आते हैं, तो मैं फिर से एक बार कह देता हूँ, आप अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरह आपका भी कोई PDF के नहीं, PDF तो मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन आपका जो जीप फाइल है उसका भी फाइल को पासवर्ड खो गया है, तो प्लीज मेरे चैनल में जाइए और उसका भी एक वीडियो में बना रख गया हूँ, तो उसको देख लीजिए। तो उसको में भी सेम प्रोसेस है, सेम है, जो सॉफ्टवेयर है वो फुल्ली लिसेंट है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको प्रोसेसिंग करने के तक वेट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग हो गया, मेरा पासवर्ड रिकवर हो गया, इसका पासवर्ड जो मैं डाला था आपको दिखाया था सेम पासवर्ड आ गया है। ये आपको जनरेट करने में थोड़ा समय लग सकता है, 10 मिनट 20 मिनट 15 मिनट और उससे भी ज्यादा लग सकता है, लेकिन आपको रिकवरी हो जाएगा और जेन्युइन तरीके से। तो आप इस तरह रिकवर कर सकते हैं। मैं एक बात कह देता हूँ, मैं आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल के तौर में दिखाई दे रहा हूँ, आप गलत काम में उपयोग ना करें, प्लीज ये गलत काम में उपयोग ना करें, अगर आप उपयोग करते हैं तो इसके लिए आज जिम्मेदारी आप ही होंगे। तो इसको कॉपी करते हैं और इसको ओके करने के बाद एग्जिट कर देते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं ये पासवर्ड मांग रहा है, इसके अंदर Ctrl+V करके ये पासवर्ड को पेस्ट कर दिया और ओके कर दिया। अब देख सकते हैं ये पासवर्ड देने के बाद ये एक ओ हेनरी का एक जो स्टोरी है वो स्टोरी आ गया। तो आप देख सकते हैं कैसे इसको रिकवर करते हैं, इसी तरह आप आधार कार्ड का भी पासवर्ड रिकवर करते कर सकते हैं। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपका कोई रिक्वायरमेंट है तो कमेंट कीजिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे के दबाइए, प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।